अगर सर्दियों के दिनों के दौरान ठंड में गर्म वेजिटेबल सूप मिल जाए तो मजा आ जाए। ये पौष्टिक मिक्स वेजिटेबल सूप आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए जाने ये सूप कैसे बनता है। इसमें हमने काफी सारी वेजिटेबल्स और पनीर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम लोग सॉस तैयार कर लेते हैं अपने वेजिटेबल सूप का। सबसे पहले हमने इसमें लिया थोड़ा सा सोया सॉस, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, फिर इसके बाद टोमेटो केचप, फिर उसके बाद हमने लिया इसमें रेड चिली सॉस, फिर इसके बाद डाला हमने इसमें थोड़ा सा व्हाइट वेनेगर, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक कटोरी में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स जरूर करिएगा। अब अपनी कढ़ाई को खूब गर्म करिए और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालिए, ज्यादा नहीं, बस इतना सा। फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक हरी मिर्च का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने चॉप करके रखी हुई थी। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से भून लीजिए, भूनना बड़ा जरूरी है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल की थोड़ी सी प्याज, थोड़े से गाजर क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए, और जरा सी शिमला मिर्च, थोड़े से फ्रेंच बीन्स, और इन सारी चीजों को भी इसी में हम लोगों ने भून लिया। और ये सारा काम हाई फ्लेम पर होगा। जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएं, तो ऊपर से डाली हमने 1 चम्मच काली मिर्च, और उसको भी इन सारी सब्जियों के साथ भून लिया। फिर इसमें हमने नमक डाला 1/2 चम्मच, या कम ज्यादा आप कर सकते हैं। फिर जो सॉस आपने तैयार करके रखा था ना, उस सॉस को इसमें डाल दीजिए, और सॉस के साथ भी इसको अच्छे से पकाइए। फिर हमने डाला इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी, आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपको थिकनेस चाहिए। और जब बॉईल आ जाएगा, यानी कि खूब गर्म हो जाएगा, तो जो कॉर्नफ्लावर आपने तैयार करके रखा था ना, वो अब इसमें डाल दीजिए और चलाते रहिएगा। चलाते रहना बड़ा जरूरी है, अगर चलाएंगे नहीं तो आपके कॉर्नफ्लावर का गुट्ठल बन जाएगा और वो खाने में मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपका सूप थिक हो रहा है। ये देखिए, आपके सूप ने अच्छा सा कलर पकड़ लिया है और आपका सूप भी काफी गाढ़ा हो रहा है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल की तकरीबन 1 कटोरी पनीर। पनीर को हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, और इन सारी चीजों को अच्छे से पकाइए, ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट। बहुत ज्यादा मत पकाइएगा, वरना आपकी सब्जियां गल जाएंगी और क्रंचीनेस उसमें नहीं रहेगी, तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। ये देखिए, हमारा वेजिटेबल सूप तैयार हो चुका है। और सर्दियों के दिनों में आप जिस किसी को भी ये सूप देंगे ना, हर कोई आपकी तारीफ करता ही रहेगा। तो हमने बनाया आज ये वेजिटेबल सूप, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। और यहीं टॉप राइट में आपको एक आइकन दिख रहा होगा, वहाँ हमारा चिकन सूप है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।